बिल्कुल बिल्कुल अपना हो गया है पिच और सामान भी अब हम रख देते हैं अंदर। हमारे जस्ट पीछे पे यहाँ हो रहा है काफी शानदार सा सनसेट, तो पहले हम करते हैं इसको रिकॉर्ड। सुंदर सा यहाँ पर भी सनसेट हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मतलब वातावरण। और हम जो है ऊपर रिज में हैं और यहाँ से जो है 360 व्यू है पूरा, तो यहाँ पर से जो है पीछे हमें पिथौरागढ़ शहर दिख रहा है। कोशिश करते हैं कि जूम में भी आ जाए, रात को तो बेशक दिखना ही दिखना है उसने क्योंकि लाइटें रहेंगी। तो दोस्तों समय हो गया है, शाम का 6 बज गया है और अभी यहाँ पर जो है दियाबाती हो रही है। तो घर से जो भी हमारे को यहाँ पर चढ़ावे के लिए दिया था सामान हम दे देते हैं अभी यहाँ पर को, और जो है फिर सुबह स्नान करने के बाद एक बार दियाबाती और करेंगे, उसके पश्चात जो है फिर हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों पहले जो है नीचे ध्वजखंडेश्वर महादेव में पूजा करनी पड़ती है, फिर यहाँ होती है, तो हम पहले सुबह वहीं जाएंगे दोनों भाई, वहाँ करके आएंगे, उसके पश्चात हम यहाँ जो है अपनी पूजा आरती करेंगे। तो अभी जो है अब हम शाम का यहाँ को लुत्फ़ उठाते हैं और नज़ारे देखिए आप कितना खूबसूरत यहाँ आपको दिख रहा है। जो है ना बहुत ठंडा है यार, और टी शर्ट अभी भी भीगी है तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर में जाएंगे टेंट में, तो वहीं पर जो है अपना जब सामान सेट करेंगे तो उसी टाइम चेंज करेंगे। और ठंड बहुत लग रही है, टोपी पहन ली हमने, तो राहुल भाई भी टोपी पहन के जो है यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम जो है अपना सामान यहाँ पर सेट करते हैं। पंडित जी ने हमें गद्दा दिया है एक नीचे से लगाने के लिए, तो जो भी हमारा अभी यहाँ सामान फैला है तो दोस्तों पहले ना अंधेरा सा हो रहा है, तो मैं यहाँ लाइट की व्यवस्था बनाता हूँ। जय हो भाई, पहली बार आनंद लेंगे ऐसी वाली कैंपिंग का। क्या राहुल भाई कैसा लग रहा है आपको ये इस स्थान पे आके, खूबसूरती का क्या कहना है? मज़ा आ गया। और ये अपना सामान है तो सेटल करते हैं अब हम इसे। Thank you.
हम लोग कर जैसे ही खाना बनाने की तैयारी करने वाले थे ना, कुछ माताजी लोग यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम लोग लाए हैं। तो राहुल भाई, शेयरिंग बनती है, और हम भी जो है थोड़ा सा लाए हैं कॉफ़ी, दूध, तो वो बनाते हैं, उसके साथ ही जो है हम खाना खा पाएंगे। क्यों जो क्यों ठंडा हो रहा है, तो अब करते हैं हम खाने की तैयारी। माताजी लोग हैं जो भोजन लाए हैं यहाँ को, और इतना हमें दे रहे, इतना नहीं होगा, थोड़ा सा दीजिए, ये बहुत नहीं है, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ना इतना नहीं खा पाएंगे हम, बर्बाद जाएगा, फिर मांग लेंगे आपसे। राहुल भाई, खाना, कॉफ़ी, खाना। तो दोस्तों, 7:45 हो रहा है, और माता की कृपा से हमारा यहाँ को भोजन संपूर्ण हुआ। तो थोड़ी देर ऊपर जाते हैं, शायद भजन करें, महिला मंडली जो भी आई है थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, भजन की तैयारी होने लग गई यहाँ को। भजन एक ऐसी चीज है, भक्त का भाव भजन है, नवदा भक्ति में भक्ति के 9 रूप है, 9 रूपों में पूजा है, अर्चन है, पाठ है। का 12:30 है, और लगभग 7:45 से हम लगातार कीर्तन में थे, तो अब नींद आ रही है, तो विश्राम करते हैं और मिलते हैं आपको सुबह, अर्ली मॉर्निंग। कोशिश करेंगे कि सनराइज से पहले पहले उठ जाएं और आपको जो है एक सनराइज का व्यू भी दिखाएं। क्या राहुल भाई, तो गुड नाइट। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और सुबह का बज गया है 6:45, और यहाँ पर जो है उजाला होने लग गया है, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे क्या ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है यार। देखो, सनराइज की तैयारी है, और पीछे भी माउंटेन्स पीक कैसे चमक रही हैं, और इधर तो राहुल भाई कह रहे हैं कि हिमालय दिख रहा है क्लियर, आप देखिए। तो ये सामने में जो दिख रहा है ना, ये पिथौरागढ़ शहर है, और अब जो है सुबह का 6 बजने वाला है, हिमालय के दर्शन होने लग गए यहाँ को।
तो दोस्तों धूप सुबह की पहली किरण जो है नंदा देवी पर्वत पे पड़ते हुए और ये पूरा हिमशिखर नंदा देवी नंदा कोट पनकटिया बाकी फिर मंदिर के पीछे से है और इधर पर जो है सनराइज होने को तैयार है।